अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्ते, कैसे हो दोस्तों आप सब लोग। मैं आपका दोस्त डॉक्टर अली अहमद कुरैशी और आज फिर से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ कंसल्टेंट में। दोस्तों आज थोड़ा हम ARV जो हमारा एंटी रेबीज वैक्सीन का जो इंजेक्शन है उसके बारे में हम आज कुछ बातें फिर से डिस्कस करेंगे। कुछ हमारा उसमें रह गया है क्या। ARV जैसे मैं बताया था दोस्तों, ये एक डॉग बाइट का एंटी रेबीज वैक्सीन, मतलब डॉग बाइट अगर करने के बाद आपको ARV दिया जाता है तो इसके 0, 3, 7, 14 और 28 डेज ऐसे 5 डोज मैंने आपको बताए थे। इंट्रामस्कुलर 1 ml का वायल इंजेक्शन रेबीवैक्स, यस उसका नाम, सीरम इंस्टीट्यूट का वो इंजेक्शन है और ऐसे बहुत से इंजेक्शन मार्केट में मिलते हैं दोस्तों। बट आज हम इसके बारे में कुछ ऐसे बात करेंगे कि जो प्री एक्सपोजर, पोस्ट एक्सपोजर में हम 5 इंजेक्शन देते हैं, मतलब किसी कुत्ते ने हमें काटा है तो हम 5 इंजेक्शन देते हैं 0, 3, 7, 14, 28। बट अगर किसी कुत्ते ने अगर काटा भी नहीं है तो उसको कुछ वेटरनरी डॉक्टर्स या कुछ पेट लवर्स या जो फॉरेस्ट में काम करते हैं वो प्री एक्सपोजर, मतलब काटे नहीं इसलिए भी, काटने के बाद जो कॉम्प्लिकेशन होने वाले हैं वो ना हो इसके लिए हमें प्री एक्सपोजर मतलब पहले ही इंजेक्शन ले लेते हैं कुछ लोग। तो उसमें डेफिनेटली 3 डोसेस हैं, 0, 7 और 28 या 28 डेज, ऐसे 3 डोसेज उसमें लेते हैं। और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा था कि जब वहाँ पे ब्लीडिंग होती है, जब एक सीवियर डॉग बाइट होता है जो, और वहाँ पे ब्लीडिंग होती है या फिर स्किन बहुत ज़्यादा डिटैच होती है तो वहाँ पे स्टिच लेने की गरज पड़ सकती है, तो उस कंडीशन में क्या करें। अगर वो वुंड हील ही नहीं हो सकता है या उसके मार्जिन बहुत बड़े हैं, इंसीजन बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे सेकेंडरी ब्लीडिंग, मतलब वहाँ पे छोटा सा कट मारकर ब्लीड किया जाए, सेकेंडरी ब्लीड किया जाए और फिर वहाँ पर हम स्टिचेस ले सकते हैं अंडर ऑल एसेप्टिक प्रिकॉशंस। तो उसी में मैंने बताया था आपको कि स्टिच आप ले सकते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि वहाँ पर जो है, जहाँ पर आपका वुंड है वहाँ पर जो है आपको सीरम भी देना होता है 7 डेज के अंदर, जिसको हम एमिनोग्लोबिन से सीरम कहते हैं, जो जिसका वीडियो हमारे चैनल पे है जिसका नाम है इक्विरैब इंजेक्शन, 1500 इंटरनेशनल यूनिट और 1000 इंटरनेशनल यूनिट पर 5 ml ये इंजेक्शन आप दे सकते हैं। और इसमें डॉग बाइट में हमें बहुत ही ख्याल रखना है दोस्तों, और जिस जगह पे वुंड है उसका केयर करना है, वहाँ पे ड्रेसिंग हम नहीं करते हैं डॉग बाइट में, और स्टैब वुंड में भी हम ड्रेसिंग नहीं करते हैं। और ऐसे कंडीशंस होते हैं जहाँ पे हम ड्रेसिंग नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात इसमें यह है कि इंजेक्शन एंटी रेबीज वैक्सीन आप सिर्फ डॉग बाइट में देंगे या किसी और कंडीशन में देंगे, ऐसा देखा गया है कि बहुत से लोग जो है ARV इंजेक्शन कभी कभी ऐसे केसेस होते हैं कि देर में भी डोंकी बाइट, देर में भी कैट बाइट, देर में भी रैबिट बाइट, तो ऐसे कंडीशंस में भी जो है कुछ लोग जो है वहाँ पे ARV इंजेक्शन देते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रोल ऑफ दैट, बट प्रोफिलैक्सिस बोलकर एंटी रैबिस वैक्सीन वहाँ पे दिया जाता है दोस्तों। इंजेक्शन टेटेनस टॉक्साइड भी वहाँ पर दिया जाता है। तो ऐसा करके जो है ARV का अपने बहुत ख्याल रखना है, एंटी रैबिस वैक्सीन का, वो पेशेंट्स का अपने अच्छा ख्याल रखना है। अगर रैबिट डॉग है तो इक्विरैब 7 दिन के अंदर ज़रूर दे, और अगर उसमें कुछ पेशेंट्स में कुछ रैबिट सिम्टम्स तैयार हो रहे हैं, हाइड्रोफोबिया, फोटोफोबिया, एरोफोबिया, पानी से डर लगना, लाइट से डर लगना और हवा से डर लगना, तो ऐसे पेशेंट्स को कमरे में बंद किया जाता है और उनको जो है प्रॉपर सेडेशंस प्रोवाइड किया जाता है, लाइट से अवॉइड किया जाता है, उनको प्रॉपर डाइट दिया जाता है, पानी से उनको दूर रखा जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स को थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है दोस्तों कि इनमें कोई रैबिट सिम्टम्स तो तैयार नहीं हो रहे ना दोस्तों। ऐसे हमसे बने रहिए, ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे और आपके कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए। कोविड के रिलेटेड कोई सवाल हो तो हमारा कोविड का हेल्पलाइन नंबर व्हाट्सएप में दे दूंगा लिंक में, आप जो है उसके ऊपर हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें। थैंक यू।